ये जो 7 का अंक है, ये भारत सरकार और मोदी जी के साथ चिपक चुका है। अगर हम बात करें मुद्रा स्फीति, महंगाई की दर, जो कल जिसकी घोषणा हुई वो 7.01%। अगर हम बात करें कि बेरोजगारी की दर CMIE ने निकाली वो 7.8%। अगर हम बात करें 1 जनवरी से लेकर अब तक रुपये में कितना हाश हुआ, रुपया कितना डेप्रिशिएट हुआ, तो वो 7%। एक जमाना था, हमारे साथ भी 7 का अंक चिपका था 2004 से 2014, पर हमने उसको चिपकाया था GDP की विकास दर में। हमारी जो एवरेज ग्रोथ रेट है 2004 से 2014 वो 7% से ज़्यादा रही थी। हमने भी 7 को लिया था, पर वो लिया था हमने देश की GDP विकास दर में, महंगाई की दर में नहीं, रुपये के हाश में नहीं, बेरोजगारी की दर में नहीं। साथियों, कल जो महंगाई दर के आंकड़े घोषित हुए उसके बाद ये प्रतीत होता है कि जैसे जैसे महंगाई की दर इकोनॉमी में बढ़ती जा रही है, वैसे के वैसे मोदी सरकार की अयोग्यता, की इनकैपेबिलिटी और इनकॉम्पिटेंस टू हैंडल इकोनॉमी देश के सामने आ रही है।